हेलो, मेरा नाम प्रशांत माहेश्वरी है और आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ MIBF राइट नाउ। तो MIBF जो है, इसका एक फॉर्मेशन हम लोगों ने किया था इन द ईयर 2020 ड्यूरिंग द लॉकडाउन। वी सेट टुगेदर, आई एम ऑल्सो ए फाउंडर ऑफ द MIBF। तो वी सेट टुगेदर एंड डिस्कस्ड कि कैसे जो है, हाउ वी कैन प्रमोट अपनी ओन कम्युनिटी को हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसी के लिए जो है ये बिजनेस प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ कि माहेश्वरी कम्युनिटी को जो है कैसे हमने आगे बढ़ाना है और कैसे जो है इसका जो वेलफेयर है इसके ऊपर में ध्यान देना है। तो बहुत एस्पेक्ट्स आते हैं, बिजनेस एस्पेक्ट भी है, सोशल एस्पेक्ट भी है। तो इसी को लेके हम आगे बढ़े थे और उसके बाद में थोड़ी टाइमिंग तो 21 या 22 में कुछ बहुत ज़्यादा इसमें हुआ नहीं, बट वी वर इन टच विथ मतलब माहेश्वरी फॉर दिस कॉज। फाइनली 2023 में जो है, तो फाइनली जो है 2023 में अगेन वी केम टुगेदर और हम लोगों ने ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मली स्टार्ट किया, इसकी मीटिंग स्टार्ट की। वी आर ऑलरेडी इन अवर 4th मीटिंग और ये सारी मीटिंग बहुत अच्छी हो रही है, काफ़ी सपोर्ट मिला है मेंबर्स का एंड वी होप कि स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ग्रो करेंगे और काफ़ी इसको जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग आगे ले जा पाएंगे। सर, आज का जो कार्यक्रम आपने रखा है ये किस विषय पे रखा गया, इसका क्या किस लिए रखा गया? आज का जो ये इस मीटिंग की मीटिंग जो है ये बेसिकली एक नेटवर्किंग मीटिंग है जो कि माहेश्वरी कम्युनिटीज़ के बीच में जो मेम्बर्स हैं हमारे, उनका बिजनेस प्रमोशन की एक्टिविटी जो है वो इसका उद्देश्य है। तो ये बेसिकली बिजनेस प्रमोशन के लिए, नेटवर्किंग के लिए, आपस में जो है टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, इसीलिए मीटिंग का मतलब है। तो सर, आज आपके इस जो समारोह है इसमें खास तौर पे कैसे किन मेहमानों को बुलाया गया और कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे? आज की मीटिंग में वी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 60+ मेंबर्स जो है हमारे यहाँ पे MIBF के आएंगे एंड हमारे आज दो कीनोट स्पीकर्स जो है वो मीटिंग में हैं, मिस्टर शिव कुमार लोहिया जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया माहेश्वरी ऑल इंडिया मारवाड़ी सभा के जो है प्रेसिडेंट हैं, तो वो हमारे आज कीनोट स्पीकर है। पवन जी पाटोदिया, वेरी रिनाउंड नेम इन कलकत्ता, तो वो भी आज हमारे जो है कीनोट स्पीकर्स हैं, तो दे आर अटेंडिंग द मीटिंग। मैं शिव कुमार लोहिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन। आज मैं यहाँ माहेश्वरी इंटरनेशनल बिजनेस फोरम के आमंत्रण पर यहाँ पर आया हूँ। मुझे जहाँ तक मालूम है कि ये व्यापार को प्रोत्साहन देने वाली एक संस्था है और समाज में व्यवसाय किस तरह से, उद्यमी को किस तरह से प्रोत्साहन मिले, उसको सहयोग मिले, सहायता मिले, उसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मारवाड़ी समाज आज यहाँ कलकत्ते और पश्चिम बंगाल और देश में नहीं पूरे विश्व में अपने व्यावसायिक उद्यम के कारण और अपनी कुशलता के कारण जाना जाता है। लेकिन आजकल हम ये देख रहे हैं कि आस्ते आस्ते युवकों में व्यापार की जो रुझान है वो कम होती जा रही है और साथ साथ ये भी है कि जो छोटे व्यवसाय हैं वो कोई भी कारण हो, सरकारी पॉलिसी के कारण हो या अभी जो युग चल रहा है उसके कारण हो, छोटे छोटे उद्योग भी बहुत आजकल परेशानी में हैं, बहुत उन लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। बड़े अभी कहा जा रहा है कि जैसे लार्ज स्केल में काम हो रहा है, छोटे छोटे जैसे ई कॉमर्स आ गए हैं, अमेजोन आ गया है, फ्लिपकार्ट आ गया, ऐसे ऐसे बहुत से काम आ गए, तो जो छोटे व्यवसायी हैं उनको बहुत असुविधा हो रही है। तो ये मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो कार्य है ये बहुत ही अच्छा कार्य है, इसमें सहयोग सब कोई को मिल करके देना चाहिए और हम लोग सहयोग दे करके ही, अगर हम मुट्ठी बांध के रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग देते रहेंगे तो हम लोग हिलेंगे नहीं, हम लोग अपना अस्तित्व कायम रख सकेंगे। ये एक बहुत अच्छी सोच है और इस सोच के साथ में सब कोई को जुड़ना चाहिए। और जो मारवाड़ी समाज की जो विशेषता है व्यापार करने की, उसमें जो कमी आ रही है उसको हमें वापस लाना है। और व्यापार बहुत बढ़िया चीज़ है, व्यापार करना एक समाज का बहुत बड़ी सेवा भी होती है, इसलिए हम ये समझते हैं कि व्यापार बढ़ावा देने वाली संस्था जो माहेश्वरी इंटरनेशनल बिजनेस फोरम है। देखिए, ऐसा है कि बेसिकली अगर आप
इंडिया में बिजनेस कम्युनिटी देखते हैं तो चार ही बिजनेस कम्युनिटी है जो एक्टिवली बिजनेस में इन्वॉल्व है। वन इज जैन, वन इज अग्रवाल, वन इज मैसरी, वन इज गुप्ता। इनके बच्चे कोशिश करते हैं बिजनेस करने का। अब ये मैसरी इंटरनेशनल बिजनेस फाउंडेशन जो इन्होंने स्टार्ट किया है, इसका मकसद एक ही है कि एक दूसरे के इनका कम्युनिकेशन बढ़े, एक दूसरे से रेफरल बढ़े, और इस तरह की एक्टिविटी चूँकि इनके खून में है बिजनेस करना। सी, दे वैल्यू सोशल वैल्यूज़, दे वैल्यू फैमिली वैल्यूज़, दे बिलीव इन एजुकेशन, दे बिलीव इन रिटर्निंग टू द सोसाइटी। तो ये जो करेक्टर महेश्वरी का है, ये इनको थोड़ा सा अलग करता है। अब आप देखो, अगर आप अग्रवाल और महेश्वरी को देखो, दोनों तो उठे एक ही जगह से हैं, मारवाड़ से। लेकिन अगर आप महेश्वरी में अगर आप नाम लो घनश्याम दास जी बिरला, जो फ्रीडम फाइटर भी थे, फिर आप देखो आज के टाइम पे अगर आप देखो अडानी, ही इज़ अनदर महेश्वरी। आप गुंजल तो देखो, गुंजल सबको, जो हीरो होंडा के अभी द बिगेस्ट टू व्हीलर इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसर, ये सब महेश्वरी। और इन्होंने सिर्फ सोसाइटी से लिया नहीं है, सोसाइटी को वापस उतना दिया है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग हॉस्पिटल्स, व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, जैसे आज दिल्ली में आप देखो तो महेश्वरी हॉस्पिटल्स, महेश्वरी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, महेश्वरी गर्ल्स स्कूल, विच आर देयर एज बैक एज 1952। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि इनके थॉट प्रोसेस शुरू से रहा है कि वी हैव टू रिटर्न टू द सोसाइटी। और इस तरह की जो पहल है कलकत्ता में, हालांकि महेश्वरी की तकात धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आज इंडिया में मैं नहीं समझता कि 1.5-2 करोड़ से ऊपर महेश्वरी है, लेकिन फिर भी इस समुदाय का अपना एक प्रेजेंस जो इन्होंने बना रखा है बिकॉज ऑफ बिजनेस एक्टिव बिजनेस ऑफ बिकॉज दे बिलीव इन एजुकेशन, मतलब शुरू से इनका जो जोर रहा है एजुकेशन के ऊपर, दैट इज़ फैंटास्टिक। एंड टुडे आई एम कमिंग फर्स्ट टाइम, सो आई एम हैप्पी, आई एम श्योर आई एम गोइंग टू हैव अ गुड टाइम विद देम, एंड दिस विल बी माई फर्स्ट इंटरेक्शन, सो आई विश देम अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट्स टू फॉलो। बट ऐसे कोई भी इवेंट जहाँ पर सारे महेश्वरी आके जमा होते हैं, एक महेश्वरी 50 पे भारी है, यहाँ तो सुना 100 आएंगे, तो पता नहीं कितनों पे भारी पड़ेगी। मैं मनमोहन बागड़ी डेको ड्रीम से एंड को फाउंडर व्यापार जोन, और जैसे कि आज हमारे महेश्वरी समाज में इतना अच्छा पहल किया गया कि आज एक बिजनेस प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा रूप लेगा, एंड इसमें समाज के आने वाले जितने भी यंग जनरेशन है उनको बहुत बड़ा मौका मिलेगा अपने बिजनेस को एक अलग लेवल पे ले जाने का। क्योंकि आज के डेट में जो बंदा नेटवर्किंग के पावर को जानता है, उसको पता है कि किस तरीके से वो अपने व्यापार को एक बड़े रूप में ले जा सकता है। आज का ज़माना नेटवर्किंग का है, और नेटवर्किंग से आप अपने व्यापार को बहुत बड़े रूप में ले जा सकते हैं। इनफैक्ट जिस सिटी में आप हैं उसके बाहर अपने आसपास के सिटी एंड नॉट ओनली नेशनली इंटरनेशनली भी ले जा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि कोई भी बिजनेस नेटवर्क अगर अपने ज्वाइन करते हैं तो वहाँ सबसे पहले गिवर बन के जाएँ, देने की भावना सीखें। क्योंकि अगर हम लेने की भावना से अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो सर उसका नेट रिजल्ट 0 रहता है, लेकिन अगर हम देने की भावना से जुड़ते हैं तो बाकी मेंबर्स के साथ भी हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है, और जब हम उनके लिए कुछ करते हैं तो उनके मन में भी भावना आती है कि इस बंदे को भी आगे बढ़ाया जाए। तो हमेशा याद रखें कि देने की भावना से जुड़ें, बी अ गिवर। अगर आप गिवर रहते हैं तो आपका धंधा आपको अपने आप कैसे कस्टमर चाहिए वो आपको आपका प्लेटफॉर्म दिला देगा। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है महेश्वरी बिजनेस प्लेटफॉर्म, और मैं आप सबसे यही अपील करूंगा, हर एक बंदा जो महेश्वरी है समाज से जुड़ा हुआ है, उसे खुद को प्लस अपने यंग जनरेशन को भी ज़रूर जोड़ना चाहिए महेश्वरी बिजनेस प्लेटफॉर्म से। कोई भी बिजनेस प्लेटफॉर्म से जुड़ने का कोई उम्र नहीं होता है,
अगर आप 70 साल के हैं तो भी आप व्यापारी हैं, आप जुड़ सकते हैं, और अगर आप अपने बिजनेस में नए तरीके से भी आए हैं तो आप जुड़ सकते हैं। बिजनेस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने का मतलब केवल यही नहीं है कि मैं यहाँ से बिजनेस लेके जाऊँ, बल्कि यहाँ से आपको लीडरशिप क्वालिटी भी सीखने मिलती है, नेटवर्किंग करते हैं आप, दूसरे लोग अपने बिजनेस को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी आपको सीखने मिलता है, आपको और भी बहुत सारी आइडियाज़ मिलती है, और कहीं ना कहीं आप कल कोई नया बिजनेस भी शुरू करें और आप इस तरीके के अच्छे बिजनेस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें तो आपको हजारों लोग बने बनाए कस्टमर मिलते हैं अपने नए व्यापार के लिए। नमस्कार, मैं संतोष कुमार लौटी एम आई से। अभी फ्यूचर में जो हमारे आने वाले प्रोग्राम है, 9 नवंबर पे एक हमारी मीटिंग होने जा रही है, ग्रैंड मीटिंग, एंड दिवाली की मीटिंग होगी 21 नवंबर को होगी, तो उसमें मैं सभी मिस्त्री बंधुओं को रिक्वेस्ट करूँगा इस प्रोग्राम में जल्द से सम्मिलित होए और संगठन को मजबूत करें और इन्जॉय करें, आपस में जुड़े, भाईचारा प्रेम आपस में बढ़ाए, यही पर्व है। थैंक यू।